मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में सरकारी मुलाजमीन का कई रोज से जारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान। PSAC और ट्रेजरी बोर्ड के दरमियान आर्जी माहदा तय पा गया। हड़ताल के सबब मुतादिद हुकूमती शोबे मुतासिर थे। सूडान से कनाडा वापस आने वाले कैनेडियन शहरी अपनी हुकूमत से नाला। कैनेडियन शहरियों का कहना है कि सूडान में किसी ने हमारी परवाह नहीं की। कैनेडा की जानिब से इनखिला ताखीर से शुरू करने का शिकवा। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की हुकूमत का नए गैस प्लांट्स के मंसूबे पर गौर। नाकदीन की हुकूमत के मंसूबे पर तनकीद। नाकदीन का कहना है कि सूबे को नए गैस प्लांट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तुर्किया की शाम में कार्रवाई, दाइश का सरबरा हलाक। तुर्किया के सदर तैयब अर्दोगान का शाम में दाइश के सरबरा को हलाक करने का दावा। तुर्किया के सदर ने इंकशाफ किया कि शुमाल मगरबी शाम में इंटेलिजेंस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। सूडानी फौज जंग बंदी में 72 घंटे की तौसी पर रजामंद। अक्वामे मुत्तहिदा का कहना है कि सूडान में मुतहरिफ फरीक मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लड़ाई में 528 अफराद हलाक और 4599 अफराद जख्मी हुए हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Public Service Alliance of Canada ka kehna hai ki usne mulk bhar mein 1,20,000 wifaqi hukumat ke karkunon ka ahata karne wale ट्रेजरी बोर्ड के साथ एक आर्जी माहदा तय किया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा का कहना है कि उसने मुल्क भर में 1,20,000 वफाकी हुकूमत के कारकुनों का अहाता करने वाले ट्रेजरी बोर्ड के साथ एक आर्जी माहदा तय किया है। ट्रेजरी बोर्ड के तहत आने वाले ज्यादातर कारकुनों की कौमी हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। यूनियन ने पीर के अवाइल में एक बयान में कहा कि उन्हें पीर को सुबह 9 बजे ET या उनकी अगली शेड्यूल शिफ्ट पर काम पर वापस आना होगा। PSAC का कहना है कि मुल्क भर में 35,000 कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के कारकुनों के लिए हड़ताल की कार्रवाई जारी है। मुहिदे पर बातचीत जारी है। PSAC के तहत 1,55,000 से ज्यादा विफाकी सरकारी मुलाजमीन की कौमी हड़ताल 19 अप्रैल की सुबह 12:01 पर शुरू हुई थी। सरकारी मुलाजमीन ने 19 अप्रैल से मुल्क भर के मकामात पर धरना दिया, जिसमें यूनियन ने कहा कि कनाडा की तारीख में मुलाजमत के सबसे बड़े इकदामात में से एक है। सरहद पर सुस्त रवि से लेकर नई एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, इमिग्रेशन और पासपोर्ट की दरख्वास्तों पर तौकफ तक मुलाजमत की कार्रवाई के दौरान सर्विस में रुकावटें बहुत ज्यादा थीं। हड़ताल के दौरान मुल्क भर में धरने की लाइनें बन गईं, जबकि टैक्स, पासपोर्ट और इमिग्रेशन समेत कुछ सरकारी खिदमात मुतासिर हुईं। सूडान से वापस पहुंचने वाले कैनेडियन शहरियों का कहना है कि वहां किसी ने भी हमारी कोई परवाह नहीं की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सूडान से वापस पहुंचने वाले कैनेडियन शहरियों का कहना है कि वहां कोई भी हमारी परवाह नहीं करता था। सूडान छोड़ने की कोशिश करने वाले कैनेडियन इनखिला के ऑपरेशन को अफरा तफरी से भरपूर ऑपरेशन के तौर पर बयान करते हैं। कैनेडियन वजीर दिफा का कहना है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान तकरीबन 400 कैनेडियंस को सूडान से निकाला गया, जबकि सैकड़ों मजीद फरार होने में जद्दोजहद कर रहे हैं। सूडान से कैनेडियंस को अपने मुल्क वापस लाने के लिए इनखिला की परवाजें खत्म हो गई हैं, जिसकी कनाडा के वजीर दिफा ने भी तस्दीक की है, क्योंकि तशद्दुद से बच निकलने में कामयाब होने वाले कुछ कैनेडियंस ने हुकूमत के साथ बातचीत करने में
अफरातफरी के मनाजिर और अहम चैलेंजेस को बयान किया। तकरीबन 1800 कैनेडियंस में से 230 मजीद कैनेडियन शहरी अब भी सूडान में हैं और ग्लोबल अफेयर्स के जरिए मदद के ख्वाहां हैं, जिन्होंने अपने मुल्क में मौजूद महकमे को मुतला किया था। कैनेडियन शहरियों का कहना है कि कैनेडा की इनखिला की कोशिशें दीगर अकवाम के मुकाबले में कमजोर और गैर मुनज़्ज़म थीं। कुवैत, हिंदुस्तानी, फ्रांसीसी और जनूबी कोरिया, वो अपने शहरियों को बाहिफाजत बाहर निकालने में कामयाब हो गए थे इतने दिन पहले कि कैनेडा के सिफारत खाने ने हमसे राब्ता किया। मैं हैरान था कि हम उन आखिरी ममालिक में से एक थे जिन्हें निकाला गया। सूडान से वापस आने वाले कैनेडियन शहरियों ने शिकवा किया कि कैनेडा की हुकूमत ने कोई मदद नहीं की, क्योंकि उसने सड़कों पर लड़ाई से बचने के लिए 15 अप्रैल को जमीनी रास्ते से मुल्क छोड़ने के लिए दुखी और खौफनाक सफर शुरू किया। कैनेडियन वजीर दिफा अनीता आनंद ने कहा कि जमीन पर गैर मुस्तहकम और खतरनाक हालात की वजह से फौज खरतूम से बाहर इजाफी परवाजों का मंसूबा नहीं बना रही है। कैनेडियन मुसल्ला अफवाज के अहलकार भी हवाई अड्डे से साफ हैं। हफ्ते के रोज रवाना होने वाली कैनेडा की एक परवाज के इलाके में नुमाया गोली चली थी। दिफाई अमले के सरबरा जनरल वैन आयर ने इतवार को कहा कि गोलियां कैनेडा के तैयारे की तरफ नहीं चलाई गईं। आलमी उमूर ने इतवार को एक बयान में कहा कि बरतानिया ने वादी सैदना हवाई अड्डे से इनखिला की परवाजें भी बंद कर दी हैं और खरतूम में रियासत हाय मुतहदा के सिफारत खाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है, जिसमें शहरियों को हवाई अड्डे से गुरेज करने की सिफारिश की गई है। कैनेडियन वजीर खारजा मेलानिया जूली अगले चंद दिनों के लिए कीनिया में हैं ताकि सूडान के बहरान पर कैनेडा के रद्द अमल से आगाह कर सकें। वो सिफारती अमले समेत मुल्क से इनखला करने वाले लोगों से मुलाकात करने वाली हैं। जूली सूडान में लोगों की जरूरियात का एहसास हासिल करने के लिए इंसानी हमदर्दी के ग्रुपों से भी मुलाकात करेंगी। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की हुकूमत सूबे के बिजली के निज़ाम को फ़रोग देने के लिए नए गैस प्लांट के मंसूबे पर गौर कर रही है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की हुकूमत सूबे के बिजली के निज़ाम को फ़रोग देने के लिए नए गैस प्लांट्स के मंसूबे पर गौर कर रही है। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड की हुकूमत ओंटारियो में गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स को बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिस पर नाकदीन का कहना है कि उससे सूबे का बिजली का निज़ाम मज़ीद ख़राब हो जाएगा और बिल आखिर टैक्स दहंदगान के लिए परेशानी का सबब बनेगा। सूबे को बिजली की तलब को पूरा करने के लिए नए गैस प्लांट्स की ज़रूरत नहीं है। सूबा फिलहाल गैस से चलने वाली इजाफी बिजली की पैदावार के लिए बोलियां मांग रहा है, जिसका मतलब है कि या तो नए गैस प्लांट बनाए जाएं या मौजूदा गैस प्लांट्स को तौसी दी जाए। ये एक दहाई से ज़्यादा अरसे में ओंटारियो में गैस से चलने वाली बिजली की फराहमी में सबसे बड़ा इजाफा होने के लिए तैयार है, क्योंकि पिछली लिबरल हुकूमत ने मिसिसागा और ओकवेल में दो गैस प्लांट्स को खत्म कर दिया था, जिसकी कीमत ऑडिटर जर्नल ने तकरीबन $1 बिलियन बताई थी। फोर्ड के वजीरे तवानाई टूट स्मिथ का कहना है कि सूबे की बिजली की तलब में मुतवक्के इजाफे को पूरा करने और बिजली फराहम करने के लिए गैस प्लांट्स की जरूरत है, जबकि सूबे के न्यूक्लियर स्टेशन के कुछ यूनिट तजदीदकारी के लिए बंद है। स्मिथ ने एक इंटरव्यू में कहा कि बतौर कुदरती गैस का होना बहुत जरूरी है ताकि लाइटों को रोशन रखा जा सके और वो काबिल एतमाद हो, जिसकी हमें जरूरत है। तुर्किया की इंटेलिजेंस फोर्स ने शाम के शुमाल मगरबी इलाके जंदरेस में खुफिया ऑपरेशन के दौरान दाइश के मुश्तबा रहनुमा को हलाक कर दिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तुर्किया की इंटेलिजेंस फोर्स ने शाम के शुमाल मगरबी इलाके जंदरेस में खुफिया ऑपरेशन के दौरान दाइश के मुश्तबा रहनुमा को हलाक कर दिया। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने ऐलान किया कि तुर्क इंटेलिजेंस फोर्सेज ने दाइश ग्रुप के मुश्तबा सरबरा अबू अल हुसैन अल हुसैनी अल कर्शी को हलाक कर दिया है। तुर्क सदर का कहना था कि तुर्किया की कौमी इंटेलिजेंस तंजीम काफ़ी अरसे से दाइश के सरबरा अबू अल हुसैन अल हुसैनी अल कुरैशी का ताकुब कर रही थी। उर्दवान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तुर्क इंटेलिजेंस तवील अरसे से दाइश के मुबैना सरबरा की तलाश में थी और उसका ताकुब कर रही थी। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक ये कार्रवाई शाम के शुमाल मगरबी इलाके जंदरेस में की गई थी, जो कि तुर्किया के हिमायत याफ्ता बागी ग्रुप के कंट्रोल में है। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि हम दहशतगर्द तंजीमों के साथ बगैर किसी इम्तियाज के अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, ताहम दाइश की जानिब से उनके सरबरा की हलाकत के हवाले से ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। वाज़ेह रहे कि नवंबर 2022 में दाइश के सरबरा अबू अल हसन अल हाशमी अल कुरैशी के मारे जाने के बाद अबू अल हुसैन अल हुसैनी अल कुरैशी को दहशतगर्द तंजीम का नया सरबरा बनाया गया था। सूडान में मुतहरिब अफवाज ने इतवार के रोज एक दूसरे पर जंग बंदी की ताज़ा खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम आयद किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सूडान में अकवाम मुतहदा के खसूसी नुमाइंदे वॉल्कर प्रिथिस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सूडान में फरीकैन ने मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदे नामजद कर दिए हैं। सूडान की वजारत सेहत का कहना है कि लड़ाई में 528 अफराद हलाक
और 4,599 जख्मी हुए हैं। सूडान में मुतारिब अफवाज ने इतवार के रोज एक दूसरे पर जंग बंदी की ताज़ा खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम आयद किया है, लेकिन दोनों फरीकों ने कहा कि जंग बंदी के बाज़ाब्ता मुहैदे की मुद्दत इतवार के नेस शब खत्म होने वाली थी, मगर अब इसमें मजीद 72 घंटे की तौसी की जाएगी। सूडानी फौज के मुताबिक पैरा मिलिट्री फोर्सेस के साथ 72 घंटों की जंग बंदी पर राजी हैं। उम्मीद है कि बागी जंगजू जंग बंदी का एहतराम करेंगे। RSF का कहना है कि जंग बंदी में तौसी का फैसला बैन अल-अक़वामी, इलाकाई और मुकामी सतह पर मुतालबात के बाद किया गया है। 15 अप्रैल को सूडानी फौज और नीम फौजी सरियल हरकत फोर्सेज के दरमियान इक्तदार की कशमकश के नतीजे में लड़ाई शुरू हुई थी और इसमें अब तक सैकड़ों अफराद हलाक और हजारों जख्मी हो चुके हैं। अक़वामे मुत्तहिदा का कहना है कि सूडान से अब तक 45,000 अफराद नकल मकानी कर चुके हैं, जबकि खदशा जाहिर किया गया है कि लड़ाई जारी रही तो 2,70,000 अफराद मुल्क छोड़ सकते हैं। सूडान में अक़वामे मुत्तहिदा के खसूसी नुमाइंदे वॉल्कर पेथिस का कहना था कि मुज़ाकरात सऊदी शहर जद्दा या जनूबी सूडान के शहर जब्बा में होंगे। मुज़ाकरात के लिए कोई टाइमलाइन तय नहीं की गई है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। News are precise and effective.